नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सुल्तानपुर नवसृजित अस्थायी नवीन मॉडर्न थाना शिवगढ़ का जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक सुमीन वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से विधि विधान व पूजन अर्चन के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को निरीक्षक की चेयर पर सम्मान बैठाया गया। जिलाधिकारी द्वारा अस्थायी नवीन मॉडर्न थाना शिवगढ़ में स्थापित महिला हेल्प डेस्क, गृह कंप्यूटर कक्ष, CCTNS कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उक्त थाने के अंतर्गत एक प्रभारी निरीक्षक, 5 उप निरीक्षक, 4 महिला कांस्टेबल समेत 50 पुरुष कांस्टेबल कार्य करेंगे। नवीन मॉडर्न थाना शिवगढ़ कोतवाली देहात व कोतवाली लंबुआ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि नवीन मॉडर्न थाना शिवगढ़ के बन जाने से इस क्षेत्रवासियों को होने वाली परेशानियों से त्वरित न्याय मिल सकेगा और क्षेत्र में होने वाले क्राइम पर अंकुश लग सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी थाना शिवगढ़ को विधिक रूप से स्थापित कर अस्थायी रूप से चलाया जा रहा है। जहां तक यहां के अपराध की बात हो रही है, यहां पे जनपद सुल्तानपुर में लगातार इतनी भी अपराध हुई है, सब में कार्रवाई हुई है। ऐसे जो बहुत ही संगीन घटनाएं थी जिसमें 19 मुठभेड़ तक हुआ है, यह जनपद सुल्तानपुर में तीन महीने में 3 पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। यहां पे करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराधियों को जब्त की गई है। 14 गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत लगातार जो है आगे भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी ताकि जो भी अपराधी है वो उनके ऊपर अंकुश लगे और तथा उनके द्वारा अपराध के द्वारा जो भी उनकी अर्जित संपत्ति हो उनको भी हम समाप्त कर दें, हमारे जो सरकारी खजाने में वहाँ पे आ जाए, कन्फिस्केशन हो जाए, ताकि उनको कभी ना लगे कि सिर्फ अपराध करके तो बचेंगे नहीं, वो तो तय है, उसके साथ साथ अपराध के द्वारा कमाए गए संपत्ति भी उनकी नहीं बचेगी। धन्यवाद।